जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से, प्रश्नावली नंबर 5.1 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 5.2। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, देखते हैं आज प्रश्नावली नंबर 5.2 क्या कह रहा है। इसमें एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, देखना पहले में भी कई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक, अब इसमें भी कई क्वेश्चन है, ठीक है। देखना क्या कह रहा है बाबू, कि निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी मतलब बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी है, क्यों है बताना, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद की टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना बेटा, 15 रुपया। अगर देखोगे प्रथम किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर जो जाओगे क्या होगा बेटा, प्रथम किलोमीटर का किराया जो है ले रहा बेटा कितना, 15 रुपया। कितना बेटा, 15 रुपया, मतलब पहला किलोमीटर जब जाओगे कितना होगा वहां पे, 15 रुपया होगा, ठीक है बाबू। उसकी बात कह रहा है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया, और उसके आगे जब जाओगे तो उसका किराया कितना बेटा, 8 रुपया, ठीक है। तो जैसे बाबू प्रथम किलोमीटर मतलब A1, A1 बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। A2 निकालोगे बेटा, A2, अब किराया अतिरिक्त किराया कितना बढ़ रहा है बेटा, 8 रुपया, तो मतलब D बराबर जो होगा वो कितना होगा बेटा, 8 हो जाएगा। क्या करोगे यहाँ पे, 15 प्लस, नहीं तो A2 बराबर क्या होगा मेरे रसगुल्ला, A2 बराबर होगा A1 प्लस D। तो करेंगे मेरे रसगुल्ला क्या होगा, A1 का वैल्यू है 15 प्लस 8, कितना हो जाएगा, 23 होगा। A2 जब निकालोगे बेटा, A2 तो निकाल चुके, A3 जब निकालोगे बाबू तो क्या होगा, A2 प्लस D, ठीक है। A2 कितना है बेटा, 23 है, 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। A4 जब निकालोगे तो कितना होगा, A3 प्लस डी, तो कितना होगा, 29 प्लस D, डी का मान कितना बेटा, 8 है, 29 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे हो जाएगा, एक मिनट बाबू, 23 और 8 कितना होगा, 31 होगा, 23 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, 31 होगा यहां पे। तो यहां पे कितना करेंगे, 31 और 8 होगा, ठीक है। 31 8 कितना होगा मेरे रसगुल्ला, 39 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखोगे आप लोग लगाते हुए चले जाओगे, ठीक है। ऐसे A5 निकालोगे, A6 निकालोगे, AP जो होता है बेटा, AP क्या होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, करते हुए चले जाओगे बेटा। तो AP बराबर क्या होगा, एक मिनट यहां पे देखोगे बेटा, A1 कितना है, 8 है, 15 है, कितना है, 15 है, A1 15 है बेटा, A2 कितना है बेटा, 23 है, 23 है, A3 कितना है, 31 है, 39 है, ऐसे होते हुए चला जाएगा। तो क्या पूछा है बेटा कि AP है, तो यह क्या है बेटा, AP है, लिख देना AP है, क्यों, क्योंकि बेटा इसके बीच का अंतर क्या है, समान है, ठीक है। इसके बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे की तरफ, क्या कह रहा है पहले का दूसरा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है बाबू, इसको हम मिटा रहे हैं। चलते हैं देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्या कह रहा है, पहले का दूसरा क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला। कह रहा बाबू कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो बेटा माना बेलन में हवा की मात्रा, नहीं तो माना बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या है बेटा, V है, बेलन का आयतन V है, तो A1 बराबर हो जाएगा बेटा V हो जाएगा, ठीक है। A2 बराबर क्या कह रहा है बेटा, इसमें से जो हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो A2 बराबर होगा बेटा कितना, A1 है बेटा, और क्या होगा, A1 × 1/4 हो जाएगा, A1 का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो करोगे A1 कितना, V, और कितना होगा बेटा यहाँ पे, A1 × 1/4, तो करोगे इसके बटे 1 कर दें, 4 का गुणा 1 में होगा 4V − 1 का गुणा V में होगा V/4, तो 4V में से V गया बेटा, 3V/4 हो जाएगा, ठीक है। A2 हो गया, A3 जब निकालेंगे बेटा तो कितना होगा, A3 के लिए क्या करोगे बेटा, यहाँ पे
A3। अब बाबू A3 क्या होगा, मतलब इसका 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहां पे कितना बेटा 3V/4 और माइनस 3V/4 का 1/4 कर दे रहे हैं, नहीं तो लिख देना बेटा A2 माइनस क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। A2 क्या लिखोगे, A2 माइनस A2 का 1/4, ठीक है। A2 कितना बेटा 3V/4 है माइनस, अब बेटा A2 का वैल्यू कितना है 3V/4 है गुणे 1/4 होगा, ठीक है। अब यहां से 3V/4 माइनस यहां पे 3V/4 चौके 16, एलसीएम लोगे बेटा कितना होगा 16 होगा। अब बाबू 4 चौके 16, 4 3 क्या हो जाएगा 12 माइनस 3V, 12V माइनस 3V करोगे बेटा 9V/4 हो 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर इंटू वी, ये हो गया बेटा A3 का वैल्यू। A4 निकाल लेते हैं बेटा, A4 होगा A3 माइनस A3 का 1/4, यही बोला बेटा। A3 कितना बाबू, यहां से 9V/16 लिखते हैं, ठीक है। 9V/16 माइनस 9V/16 का 1/4 करेंगे, ठीक है बाबू। यहां पे करोगे 9V/16 माइनस 9V/16 चौके 64। अब यहां पे करोगे बाबू, यहां से कितना होगा 64 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और 16 चौके 64, 4 9 36, 36V माइनस 9V हो जाएगा बेटा 27V/64, हम लिख सकते हैं 3/4 का क्यूब इंटू वी, ठीक है। एपी क्या होगा, एपी होगा बेटा a1, a2, a3, a4 ... एपी बराबर हो जाएगा बेटा, a1 कितना है v है, a2 कितना है बेटा 3V/4 है, a3 कितना है 3/4 का स्क्वायर इंटू वी है, यही है ना बेटा। और a4 कितना है, a4 है 3/4 का क्यूब इंटू वी है, ऐसे होते हुए जा रहा। इसका बेटा बीच का अंतर देखोगे समान नहीं है, क्या है बीच का अंतर अगर देखोगे तो समान नहीं है। आप लोग d निकालोगे बेटा a2 माइनस a1 से, ठीक है। अगर देखा जाएगा क्या निकालोगे बेटा, d बराबर a2 माइनस a1 से, तो क्या होगा अगर यहां से करोगे, a2 कितना है बेटा, a2 है 3V/4, यही है a2 है 3V/4, av कितना है बेटा, a कितना है 4 है, ठीक है। a कितना है v है, ठीक है। इसका इसमें गुणा होगा 3V - 4V हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना होगा 4 है, तो हो जाएगा माइनस 1V, तो V खाली लिखो बेटा 4, ये आएगा बेटा इसका मान क्या होगा। जब A2 माइनस A1 करेंगे तो एक मिनट बेटा, यहां से आ नहीं रहा, इधर दिख नहीं रहा, करोगे बेटा कितना होगा 3V/4 माइनस V, तो करोगे 3V - 4V/4 करोगे बेटा, यहाँ पे माइनस V/4 हो जाएगा। और d बराबर बेटा A3 - A2, दोनों बराबर आना चाहिए। A3 कितना है बेटा, A3 अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे कितना है 9V/16, तो 9V/16, ये कितना बेटा 3V/4, करोगे एलसीएम 16 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 16 होगा 9V, यहाँ पे बेटा 4 चौके 16, 4 3 12 माइनस 12V, तो माइनस 3V/16 बेटा। यह चीज जो है ये क्या है, इसके बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा यह एपी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच का अंतर क्या है समान नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भी हो गया खत्म, आप लोग नोट करो बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरे की तरफ, देखते हैं तीसरा क्या कह रहा, ठीक है। आ जाओ बेटा, दूसरा हो गया खत्म, तीसरा देखेंगे, तीसरा लगाते हैं पहले का, तीसरा क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। आ जाओ मेरे रसगुल्ला थर्ड की तरफ, ठीक है। क्या कह रहा, ध्यान देना, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है, ठीक है। प्रथम मीटर जो होगा बेटा, ठीक है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत क्या है बेटा, खुदाई की लागत जो है कितना है ₹150, ठीक है। ए बाबू हो जाएगा आपका, A1 लिखो या A लिखो, 150। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की जो है बाबू क्या है लागत,
खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की जो है 50 रुपए बढ़ जाती है। तो डी बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पे कितना, 50 होगा, ठीक है। तो ए टू कितना होगा, ए वन प्लस डी होगा, ठीक है। ए वन कितना बेटा, 150 प्लस 50 कितना होगा, 200 हो जाएगा। ए थ्री कितना होगा, ए टू प्लस डी तो कितना होगा, 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 250। ए फोर निकालोगे बेटा, ए थ्री प्लस डी कितना होगा, 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 250 ए हो जाएगा। 200 कितना बेटा, ए थ्री ए है 250 है, सॉरी बेटा ए हो जाएगा 300, ठीक है। एपी जब निकालोगे बेटा, एपी कितना होगा, हो जाएगा 150, ए वन 150 है बेटा, ए टू कितना है 200, ठीक है, ए थ्री कितना है 250 है, ए फोर 300 करते हुए चले जाओगे। तो मतलब बेटा यह क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी है क्योंकि बीच का अंतर समान है, ठीक है। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बेटा इसमें पहले के चौथे की तरफ, देखते हैं पहले का फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको लगाते हैं, ठीक है। पहले का फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन क्या दिया बेटा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन दिया है, कितना दिया बेटा, मिश्र धन को किससे दिखाते हैं, पी से दिया बेटा 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 इतना रुपए दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा बेटा कि राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, बेटा ब्याज कितना है, आर बराबर 8%, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से जमा की जाती है। तो निकालना बेटा एपी है कि नहीं है, तो पहले वर्ष के लिए अगर देखोगे बेटा, प्रथम वर्ष के लिए क्या बोला है बेटा, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है, तो बेटा क्या बोला है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना, क्या निकालना है, प्रथम वर्ष का लिखना बेटा मिश्र धन, ठीक है, एक साल का, तो मतलब ए वन मान लेते हैं बेटा, क्या होगा अगर मिश्र धन निकालेंगे बाबू, तो कितना होगा, पी ब्रेकेट में क्या होगा बेटा, 1 + R/100 होता है ना, R/100 और पावर n होता है, ठीक है, n की जगह प्रथम वर्ष का तो एक हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा p 1 + R/100, ठीक है बाबू। द्वितीय वर्ष का देखोगे, जब क्या देखोगे, द्वितीय वर्ष का मिश्र धन देखोगे बेटा, तो a2 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, p 1 + R/R की जगह बेटा 8 लिख सकते हो, ठीक है, R/100 पे पावर 2 होगा, ठीक है, और यहाँ पे बेटा P का वैल्यू लिख दो 10,000, पूरा फाइनल हो जाए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 और यहाँ पे N था तो यहाँ पे N कर दो, N का मान कितना होता है बेटा, यहाँ पे 1 कर दो, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे बेटा N है, यहाँ पे 1 + R कितना 8 है, बटे 100, यहाँ पे बेटा दूसरे साल का तो 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 10,000 है। उसके बाद बेटा तृतीय वर्ष का जब निकालोगे, क्या निकालोगे, तृतीय वर्ष का मिश्र धन होगा बेटा ए थ्री बराबर P × 1 + R/100 पे पावर बेटा n, यहाँ पे हो जाएगा 10,000, 1 + 8 है बेटा 100 पे पावर 3, ऐसे करते हो जाओगे बेटा। ए फोर जब निकालोगे, मतलब चतुर्थ वर्ष का, क्या निकालोगे, चतुर्थ वर्ष का मिश्र धन क्या होगा बेटा, A4 होगा P × 1 + R/100 पे पावर n, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 10,000, 1 + 8/100 पे पावर 4। तो इसका देखोगे अगर AP, क्या देखोगे बेटा, AP देखा जाए, AP बराबर होगा 10,000 प्लस 1 × 1 + 8/100 पे पावर 1, ठीक है। फिर होगा बेटा दूसरा 10,000 है, 10,000 और 1 + 8/100 पे पावर कितना बेटा 2, फिर करोगे बेटा 10,000 1 + 8/100 पे पावर कितना बेटा 3, फिर करोगे 10,000 1 + 8/100 पे पावर कितना होगा 4, ऐसे होते हुए जाएगा। इसका अंतर देखोगे बेटा बहुत बड़ा अंतर आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें घात का अंतर है, ठीक है। तो डी बार लिखना बेटा, डी समान नहीं है, अतः क्या होगा बेटा, अतः ये क्या है, एपी नहीं है,
आए समझ बाबू, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों का हो गया खत्म। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा, दूसरे को भी लगाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया एकदम खत्म, लगाते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन, देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दो पे। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा बेटा कि जब प्रथम किलोमीटर के टैक्सी का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए बाद टैक्सी का किराया एपी नहीं बनाती है, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद कुल किराया निम्नलिखित है। क्या यह कथन सत्य है, कारण दीजिए। बेटा कह रहा है प्रथम किलोमीटर का किराया, क्या कह रहा है, प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है बेटा, बराबर कितना है 15 रुपया, मतलब बेटा A1 बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, अतिरिक्त जो किराया है बेटा हर किलोमीटर का, D बराबर 8 रुपया है, कितना है 8 रुपया है। एपी दिया है बेटा, एपी क्या दिया है 15, 8, 8, 8, ऐसे करते हुए गया। ठीक है, बताना यह कथन सत्य है कि असत्य है। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, A1 बराबर दिया है 15, ठीक है, A2 बराबर होता है बेटा A1 प्लस D, A1 कितना 15 प्लस D कितना बेटा 8 है, हो जाएगा 23, A3 बेटा A2 प्लस D तो कितना हो जाएगा 23 प्लस 8 कितना होगा 31 होगा, A4 क्या होगा बेटा, हो जाएगा A3 प्लस D 31 प्लस 8 कितना होगा 39, AP क्या बनेगा बेटा, AP बनेगा A1, A2, A3, A4... A1 का मान कितना बेटा 15 है, A2 का 23, A3 का 31, A4 का 39, ऐसे होते हुए जाएगा। तो बेटा इसका AP यह होगा, ठीक है, जो कि समांतर श्रेणी बना रहा, यह कथन क्या है बेटा असत्य है, क्योंकि इसका AP यह ना होके यह होगा। ठीक है, इसी के साथ हो गया बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा भी खत्म, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीन पे, तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा बेटा कि दी हुई AP के प्रथम चार पद लिखिए, प्रथम पद A और सार्वंतर D है। ठीक है बेटा, प्रथम चार पद लिखना है, पहला बाबू दिया है A बराबर कुछ 10 दिया है और D बराबर 10 दिया है। ठीक है, प्रथम चार पद लिखना है, तो बेटा A जो होगा, A1 जो होगा A के बराबर होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, A2 जो होगा A1 प्लस D होगा। ठीक है, A1 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, A3 अगर होगा तो A2 प्लस D होगा, A2 कितना है बेटा 20 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 होगा। ठीक है, तीन पद हो गए बाबू, A4 निकाल लो, A3 प्लस D कितना होगा 20 10 30 है बेटा, 30 प्लस 10 कितना होगा 40, तो इसके चारों पद क्या होंगे बेटा 10 20 30 और 40 होंगे। ठीक है, आ जाओ बाबू दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्या कह रहा इसका, इसमें बेटा तो 5 है, हमें लगा 3 है। A बराबर -D दिया है बेटा, -2 दिया है, D बराबर 0 दिया है, A बराबर -2 D बराबर 0, A जो होगा बेटा A1 के बराबर होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, A2 जो होगा बेटा A1 प्लस D होगा, -2 प्लस 0 बराबर -2 होगा। ठीक है, A3 होगा बेटा A2 और प्लस D तो -2 प्लस 0 बराबर बेटा -2, A4 जो होगा बेटा A3 प्लस D होगा, -2 प्लस 0 बराबर -2, इसका बेटा AP या चार पद जो होंगे वह लिख सकते हो, कितना होंगे सबके सब -2 -2 -2 -2 होते हुए 4 ही लिखना, तो 4 बात खत्म। ठीक है, आ जाओ मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, इसका तीसरा क्या कह रहा, तीसरा देखते हैं बाबू, A बराबर 4 दिया है, D बराबर -3 दिया है, A बराबर 4 D बराबर -3, A1 बराबर A बराबर बेटा 4 हो जाएगा। ठीक है, A2 बराबर A1 क्या होगा, A1 प्लस D, A1 कितना बेटा 4
प्लस माइनस तीन है बेटा डी, तो हो जाएगा चार माइनस तीन बराबर एक। अब बाबू ए थ्री अगर निकालोगे, ए टू प्लस बी, ए टू कितना है बेटा, ए टू, ए टू क्या होगा बेटा एक है, प्लस डी कितना माइनस तीन, तो एक माइनस तीन बराबर माइनस दो हो जाएगा, ठीक है। ए फोर, ए थ्री प्लस डी, ए थ्री कितना है बेटा, ए थ्री है माइनस टू और प्लस माइनस थ्री, तो हो जाएगा माइनस दो माइनस तीन बराबर माइनस पांच, ठीक है। इसके बेटा चार पद क्या होंगे, चार एक माइनस दो माइनस पांच हो जाएंगे, यह हो जाएगा इसका चार पद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका चौथा क्या कह रहा, इसमें चार पांच, कितने बेटा इसमें पांच है टोटल, ठीक है, तो चलो इसको नोट करो। फिर चलते हैं बेटा इसके फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर पे, क्वेश्चन नंबर तीसरे के क्या कह रहा बेटा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहा है बाबू, a बराबर माइनस एक, डी बराबर एक बटे दो, ए बराबर माइनस एक, डी बराबर एक बटे दो, यही दिया है। अगर बाबू निकालोगे ए वन जो होगा a के बराबर होगा, माइनस एक हो जाएगा, ठीक है। ए टू जो होगा बेटा ए वन प्लस डी होगा, ए वन कितना माइनस एक प्लस डी एक बटे दो, करोगे माइनस दो प्लस एक बटे दो, तो हो जाएगा बेटा माइनस एक बटे दो, ठीक है। ए थ्री जो होगा ए टू प्लस डी, ए टू कितना बेटा माइनस एक बटे दो, प्लस डी का मान कितना बेटा एक बटे दो, बेटा जीरो हो जाएगा, माइनस प्लस कट के जीरो होंगे। ए फोर कितना होगा, ए थ्री प्लस डी, ए थ्री कितना है, ए थ्री है जीरो प्लस डी एक बटे दो बराबर एक बटे दो, तो ए पी कितना होगा बेटा, इसका चार पद लिखना है, चारों पद लिख दो, कितना होगा माइनस एक माइनस एक बटे दो जीरो एक बटे दो, ए हो जाएगा इसका मान, ठीक है। चलो आ जाओ बाबू इसमें पांचवे पे, पांचवा क्या कह रहा, क्या कह रहा बाबू, पांचवा कहा है ए बराबर माइनस एक दशमलव दो पांच, ए बराबर माइनस एक दशमलव दो पांच, माइनस एक दशमलव दो पांच दिया बेटा, डी बराबर दिया है माइनस जीरो दशमलव दो पांच, ए वन बराबर ए होगा बेटा माइनस एक दशमलव दो पांच हो जाएगा, ठीक है। ए टू बराबर ए वन होगा, ठीक है, प्लस डी, ए वन माइनस एक दशमलव दो पांच प्लस माइनस डी का मान जीरो दशमलव दो पांच, तो करोगे बेटा माइनस एक दशमलव दो पांच माइनस जीरो दशमलव दो पांच, तो यहां पे करोगे बेटा माइनस एक दशमलव सात पांच हो जाएगा, नहीं पांच जीरो होगा बेटा, जोड़ोगे कितना होगा माइनस एक दशमलव पांच जीरो। ए थ्री, ए टू प्लस डी, ए टू कितना माइनस एक दशमलव पांच जीरो प्लस माइनस कितना होगा बेटा डी जीरो दशमलव दो पांच, करोगे बेटा तो यहां से माइनस एक दशमलव पांच जीरो माइनस जीरो दशमलव दो पांच, तो करोगे बेटा माइनस एक दशमलव सात पांच हो जाएगा, ठीक है। ए फोर आ जाओ, ए फोर कितना होगा, ए थ्री प्लस डी, ए थ्री कितना बेटा माइनस एक दशमलव सात पांच प्लस क्या होगा माइनस जीरो दशमलव दो पांच, डी का मान है ना बेटा, तो रखेंगे कितना हो जाएगा माइनस एक दशमलव सात पांच और माइनस जीरो दशमलव दो पांच, हो जाएगा जीरो, यहां पे है या बेटा, हो जाएगा माइनस दो दशमलव जीरो हो जाएगा, चार एक ए हो गया बेटा, देखना एक ए हो गया पहला, दूसरा ए हो जाएगा, चार लिखना, तीसरा ए हो गया, चौथा ए होगा, इसको लिख देना, क्या लिखोगे माइनस एक दशमलव दो पांच माइनस एक दशमलव पांच जीरो माइनस एक दशमलव सात पांच माइनस दो दशमलव जीरो, ये हो जाएगा बेटा इसका मान, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर चार पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर चार को भी लगाते हैं, ठीक है, देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर चार, इसको मिटा दें, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर चार की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर चार कहा निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए, ठीक है बेटा, प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर लिखना है। पहला दिया है बेटा, क्या दिया ध्यान देना, पहला दिया है कि एपी के लिए, मतलब एपी है बेटा तीन कामा एक, ठीक है, माइनस एक माइनस तीन डॉट 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 हो गया बेटा, ठीक है। यहां से अगर देखोगे बाबू, यह होगा आपका ए वन, यह होगा आपका A2,
यह होगा आपका ए थ्री, यह होगा आपका ए फोर। तो प्रथम पद जो होगा बेटा क्या होगा, प्रथम पद ए बराबर ए वन होता है, थ्री हो जाएगा, ठीक है। और डी क्या होगा, सर्वांतर बोला है ना बेटा, क्या बोला है, सर्वांतर, तो सर्वांतर डी होता है, ठीक है बेटा, सर्वांतर डी होगा बेटा। या चाहे ए थ्री माइनस ए टू करो, ए फोर माइनस ए थ्री करो, या ए टू माइनस ए वन करो। ए टू कितना बेटा, एक है, माइनस ए वन कितना है, तीन है, तो कितना हो जाएगा, माइनस दो। ये हो गया बेटा आपका सर्वांतर और प्रथम पद, ठीक है। दूसरा आ जाओ, दूसरा क्या कह रहा, माइनस पांच माइनस एक तीन सात, माइनस पांच माइनस एक तीन सात होते हुए बेटा चला जाएगा। ए होगा बेटा आपका पहला वाला प्रथम पद ए वन, ए होगा बेटा आपका द्वितीय पद ए टू, ए होगा तृतीय पद ए थ्री, ए होगा ए फोर, ठीक है। तो यहां से बाबू प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद ए बराबर माइनस पांच हो जाएगा, ठीक है। और सार्व अंतर जो होगा क्या होगा, सार्व अंतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना माइनस एक, माइनस ए वन कितना बेटा, ए टू माइनस ए वन, सब माइनस में ही है, चलो माइनस क्या बेटा पांच करोगे, माइनस एक यहां पे बेटा, माइनस एक माइनस माइनस प्लस पांच आ जाएगा चार, सर्वांतर चार होगा और प्रथम पद बेटा माइनस पांच होगा। आ जाओ तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है इसमें, तीसरा दिया बेटा एक बटे तीन, पांच बटे तीन, नौ बटे तीन, तेरह बटे तीन, एक बटे तीन, पांच बटे तीन, नौ बटे तीन और तेरह बटे तीन, ठीक है, हो जाएगा बेटा। इसमें देखना बाबू ध्यान से, यह आपका ए वन होगा, यह आपका ए टू होगा, यह आपका ए थ्री होगा, ए फोर होगा, ठीक है। प्रथम पद ए वन जो होगा बेटा ए के बराबर होगा एक बटे तीन के, ठीक है। उसके बाद बेटा सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर जो होगा बेटा, सार्व अंतर डी बराबर होगा ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना बेटा पांच बटे तीन और एक बटे तीन, हो जाएगा बेटा चार बटे तीन हो जाएगा, पांच में से गया चार बचेगा, चार बटे तीन हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, कहा जीरो दशमलव छह एक दशमलव सात, यही बोला बेटा जीरो दशमलव छह एक दशमलव सात, और क्या दिया है दो दशमलव आठ तीन दशमलव नौ, दो दशमलव आठ तीन दशमलव नौ होते हुए गया बेटा। ए होगा आपका ए वन, यह होगा ए टू, यह होगा ए थ्री, यह होगा बेटा ए फोर, डायरेक्ट बोल दिया एपी है, ठीक है। तो यहां से करोगे बेटा प्रथम पद अगर निकालोगे, क्या निकालोगे, प्रथम पद ए वन बराबर ए होगा, ठीक है बेटा, क्या होगा प्रथम पद ए बराबर ए वन होगा, ठीक है बेटा, ए बराबर ए वन कितना जीरो दशमलव छह। सार्व अंतर निकालोगे बेटा, सार्व अंतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना बेटा एक दशमलव सात, ए वन जीरो दशमलव छह, मतलब एक दशमलव एक आ जाएगा इसका सार्व अंतर, ठीक है बेटा। आप लोग क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर चार कर चुके हैं, ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर देखते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लगाते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ, पांचवा क्या कह रहा है बाबू, एपी दस पांच जीरो माइनस पांच का सर्वांतर, एपी क्या दिया बेटा दस पांच जीरो माइनस पांच का सर्वांतर दिया है बेटा, क्या दिया है सर्वांतर, मतलब डी दिया है बेटा कितना पांच है, ठीक है, है। औचित्य के साथ बताइए कि यह कथन सत्य है या असत्य, ठीक है बेटा। अगर यहां से देखा जाए, यह होगा ए वन, ये होगा बेटा ए टू, यह होगा ए थ्री, ए फोर होगा, ठीक है बेटा। तो प्रथम पद जो होगा क्या होगा, प्रथम पद ए बराबर ए वन के होगा जो कि दस होगा, ठीक है। सार्व अंतर अगर देखोगे, सार्व अंतर क्या होगा बेटा, सार्व अंतर या सार्व अंतर लिखा जाता ना बेटा, सार्व अंतर कितना डी बराबर होगा ए टू माइनस ए वन, डी बराबर ए टू कितना है, ए टू है बेटा पांच माइनस ए वन दस बराबर माइनस पांच, तो सार्व अंतर बेटा पांच ना होके माइनस पांच है, अतः यह कथन क्या है असत्य है, ठीक है बेटा। पांच क्वेश्चन हम लोग कर लिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, अगले का जो क्वेश्चन आगे का उसको अगले वीडियो में करेंगे,
आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू सो मच।